हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। और मैं हूँ वीनू। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्री है, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ और जुड़ेंगे। तो आज का वीडियो है इस लुक के बारे में जो मैंने क्रिएट किया है राखी के लिए स्पेशली। तो ये लुक जो है इसमें आईज हाईलाइटेड है, कॉन्टोरिंग एक्सेट्रा मैंने नहीं किया, इसमें सिर्फ आईज को हाईलाइट किया है थिक काजल और लाइनर के साथ। तो अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा है और आप देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और कमेंट छोड़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी सब जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तो अब बातें ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रोजेनिक अल्ट्राशेड सनस्क्रीन लगाऊंगी। नेक्स्ट बेस मैजिक लगाएंगे जो कि प्राइमर है, ताकि स्किन जो है स्मूथ हो जाए अच्छे से जहाँ जहाँ आपके पोर्स हैं। फिर हम पैक HD फाउंडेशन अप्लाई करेंगे एक स्पॉन्ज की मदद से। अच्छी तरह पूरे फेस पर आपको अप्लाई करना है और टैप टैप मोशन में ही उसको अप्लाई करें। मैंने यहाँ पैक का फाउंडेशन यूज़ किया है, पर आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जो मैंने लिया है, उससे मिलता जुलता कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन को नेक पर भी लगाना मत भूलिए। नेक्स्ट फिर ये मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर है, इसको मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स पर लगाऊँगी ताकि जो हाई पॉइंट्स है वो अच्छे से हाईलाइट हो जाएँ। आईज के नीचे, नोज ब्रिज पे, लिप्स के ऊपर, चिन पर, फोरहेड पर, नॉर्मल जो भी जगहें होती हैं जहाँ पे करते हैं हाइलाइटिंग वहाँ पे आप कर सकते हैं। ये एक हाइलाइटिंग कंसीलर है, इसको भी हम स्पॉन्ज की मदद से अच्छे से टैप टैप करके ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट ये लॉरियल ट्रू मैच का लूज पाउडर है, इससे हम जो भी हमने अभी कंसील किया है उसको सेट कर लेंगे ताकि क्रीजेज ना आए और जो कंसीलर है वो अच्छे से सेट हो जाए फेस पे। नेक्स्ट आईब्रोज करूँगी मैं, ये मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल है, इससे आप आईब्रोज को अच्छे से शेप कर लेंगे। देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस है दोनों आईब्रोज में। नेक्स्ट स्टेप है कि हम आईब्रोज को शेप देंगे अच्छे से, जो है उसको हाईलाइट करेंगे कंसीलर अप्लाई करके। यहाँ मैं ब्रश से कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि प्रिसाइजली जो है वो लग जाए। ऊपर और नीचे दोनों अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट ये फिटमी का कंसीलर है, इसको मैं अपनी आईलेट्स पर लगा लूँगी ताकि जो भी थोड़ी रेडनेस है या डिसकलरेशन है वो हाइड हो जाए और जो आई शेडो हम लगाएंगे वो अच्छे से उभर के दिखे। ये रेवोल्यूशन का शुगर पैलेट है, इसमें से मैं ये लाइट ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ अपने ट्रांजिशन शेड की तरह, मतलब सबसे क्रीज के ऊपर जो जगह होती है उस पर आप अप्लाई करेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। नो आईज पे ब्लेंड करके अच्छे से अप्लाई कर लेंगे ट्रांजिशन शेड। फिर नेक्स्ट ये एस्टे लॉडर पैलेट में से जो है हम ये डार्क पिंक कलर में सबसे पहले सिर्फ उसको प्लेस कर रही हूँ क्रीज पर, अभी ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ प्लेस कर रही हूँ। उसके बाद जब वो अच्छे से प्लेस हो जाएगा उसके बाद ब्लेंड करना शुरू करूँगी मैं। फिर आप ब्लेंडिंग शुरू कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आपका ब्लेंडिंग अच्छा होगा उतना ही आई शेडो आपका अच्छा दिखेगा। ब्लेंडिंग इज़ द की टू अ नाइस आई शेडो। तो आप दोनों आईज पे अच्छे से ये कलर जो है प्लेस करके ब्लेंड कर लीजिए। नेक्स्ट फिर शुगर टू पैलेट में से ही हम जो है ये हाइलाइटिंग कलर लगाएंगे अपने आईलेट के एकदम बीच में, सी शेप की तरह कुछ बनाएंगे हम। तो पहले मैंने ब्रश से अप्लाई किया था बट फिर मुझे वो थोड़ा उभरा हुआ नहीं लगा, इतना कंसंट्रेटेड नहीं लगा, फिर मैंने अपनी फिंगर से उसको थोड़ा हाईलाइट किया था एरिया को
कुछ इस तरीके से, और फिंगर से जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा आता है। फिर आप एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेके सारे कलर्स को जो है आपस में ब्लेंड कर लीजिए, ताकि कोई भी हार्श लाइन जो है अलग से ना दिखे। सेम डार्क पिंक कलर से हम वाटर लाइन के पास जो है उसको अप्लाई कर लेंगे उस कलर को, ताकि अलग से ऊपर और नीचे ज़्यादा फर्क ना लगे। ब्लश लगाएंगे उसके बाद हम, मैंने यहाँ पे लॉरियल का कोरल कलर, कलर शो वाला जो आता है वो लगाया है। आप कोई भी ब्लश ले सकते हैं, पर ये डे लुक के हिसाब से काफ़ी अच्छा ब्लश है। फिर यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर, क्लैमी का ये 2-in-1 काजल लाइनर है, जेल लाइनर, काफ़ी अच्छा है। इसका रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी ज़रूर। और इससे हम अच्छा सा थिक आईलाइनर इस तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद काजल अप्लाई करेंगे, वो भी बहुत थिक अप्लाई करना है आपको, कुछ इस तरीके से जो है। मस्कारा लगा लेंगे अपर और लोअर आईलैशेस दोनों पे, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है लगाना फेक आईलैशेस, इसीलिए मैं मस्कारा के 2-3 कोट्स लगाती हूँ। अब अप्लाई करेंगे लिपस्टिक, ये रेब 07 है, मेबेलिन कलर शो का, बहुत ही ब्यूटीफुल कोरल कलर है, ये पिंकी कोरल कलर है, मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। तो इसको अप्लाई कर लेंगे, ये क्रीमी मैट है और बिल्कुल मैट मेरे को अच्छी नहीं लगती, तो ये कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट हम वही हाइलाइटिंग कलर लेंगे और उसको अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर लेंगे, ब्रिज ऑफ द नोज़ और चीक बोन्स के ऊपर, जहाँ भी आपने हाइलाइटिंग पहले की थी वहाँ पे, सब जगह। ब्राउ बोन को भी इसी से हाईलाइट कर लेंगे, और इनर कॉर्नर के लिए भी यही हाइलाइटिंग कलर मैं यूज़ करने वाली हूँ। लास्ट में ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर स्प्रे है, इसको स्प्रे करके पूरे फेस पर और ब्यूटी ब्लेंडर से, स्पॉन्ज से हम अच्छी तरह सारे मेकअप को ब्लेंड कर लेंगे, और ये हमारा लुक रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।